माय डियर स्टूडेंट्स, आप अभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच मैथ का फिर से क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तो उनका एलसीएम 2400 दिया हुआ है। उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा? उनका एलसीएम जो दिया हुआ 2400, उसका महत्तम समवर्तक क्या निकालना? देखिए अनुपात में दिया हुआ 3:4:5, तो देखिए कुछ नहीं करेंगे। 3:4:5 का एलसीएम आपका कितना दिया हुआ है? आपका 2400 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2400 निकालना है। अब देखिए 3:4:5, 3:4:5 का हम लोग क्या करेंगे? अनुपात को हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 4 3 कितना हो जाएगा? 4 3 12 12 5 6 60, एलसीएम आपका आ जाएगा 60 बराबर 24। ठीक है, 60 बराबर 24, वही देखिए कितना बार कट जाएगा, ये तो कितना बार कट जाएगा, 40 बार। एक्स की वैल्यू मान लीजिए आपका अनुपात 40 पर क्या एक्स मान लेंगे, एक्स की वैल्यू 40 हो गई, यही आपका क्या हो गया? महत्तम समवर्तक एलसीएम आपका 40 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर? 40 हो गया। इसमें देखिए इसके नंबर संख्या को हम क्या करेंगे? फर्स्ट संख्या, ये आपका फर्स्ट संख्या हो गया, सेकंड संख्या हो गया, थर्ड संख्या हो गया। अब इसमें नंबर यदि हम पुट करते हैं, देखिए फर्स्ट संख्या का यदि नंबर पुट करते हैं ये कितना हो जाएगा? 40 को यदि 3 से मल्टीप्लाई किया 120 हो गया, और 40 को हमने कितना से किया? 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 160 हो गया। और 40 को हमने कितना किया? 5 से मल्टीप्लाई किया, 200 हो गया। इसका सबसे ज्यादा सबसे लेटेस्ट लार्ज वो ये 120, 160 और 200 में आपका कॉमन क्या आ जाएगा? आपका कौन सा संख्या 40 से सब में भाग लग जाएगा, तो आपका एलसीएम कितना? 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दो संख्याओं का मौसा 8 है, दो संख्याओं का मौसा 8 है, इनमें कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लसा नहीं हो सकती? ऐसी कौन सी संख्या है जो उनका लसा नहीं हो सकती जिसका मौसा 8 हो? अब देखिए ऑप्शन देखिए आपका क्या ऑप्शन है, ऑप्शन से चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है कि आपको यदि देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 50 है। 50 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं ये आपका पूरा पूरा नहीं करता। उसके बाद देखिए 24 को यदि कटाते हैं तो 24 भी कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा। आपके ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी जो कि आपकी 8 से नहीं कटेगी? तो वो 50 हो जाएगी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 48 है, यदि वे संख्या 2:3 के अनुपात में उसका योग है। दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ 48 और उस संख्या का अनुपात दिया 2:3 दिया हुआ, तो उसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए दो संख्या का आपका एलसीएम कितना दिया हुआ? एलसीएम आपका 48 दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है 2:3। अब 2:3 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम निकाल दो, कितना आ जाएगा? 6x हो जाएगा, 6x हो गया 48, 8 का कितना हो गया? 48, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस दोनों संख्याओं का योग मांग रहा है। अब देखिए 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा? 40 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 3 विभिन्न चौराहे यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 पे एक साथ बदलेगी तो 8:20 पे बजे एक साथ कितने बजे बदलेगी हुआ? तो देखिए ये कितना बजे ही कर रहा है, 8:20 बने एक साथ बदलेगी कितने बजे बदलेगी? तो देखिए इसमें क्या सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 48 है 72 और 108, तो 48 72 108, देखिए इसका लॉस निकालने तो आता है, 48 72 108 का लॉस निकालेंगे कितना हो जाएगा? ये 24, ये 36, ये आपका 54 हो जाएगा। फिर आपका कितना लग जाएगा? 2 से ये हो जाएगा कितना? 12, ये 18, ये आपका 27 हो जाएगा। अब कितना लग जाएगा? 3 से 3 चौके 12 3 4 18 3 9 27, अब कितना लग जाएगा? तो अब आपका ये लग जाएगा 2 से, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये फिर 9 हो गया, फिर 3 से लगाइए 2 1 3 हो गया। तब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 किया 48 किया कितना होता है?
तो देखिए आपका दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, सोलह तीन अड़तालीस, अड़तालीस नौ आठ दीजिए, तो अड़तालीस नौ आठ नौ बहत्तर के आठ नौ बहत्तर के दो हाथ मिला सात छत्तीस सात, छत्तीस सात आपका आ जाएगा, छत्तीस चार हो जाएगा चालीस, तीन तैतालीस चार सौ बत्तीस हो गया, कितना हो गया चार सौ बत्तीस, चार सौ बत्तीस को कितना डिवाइड कीजिए, ये चार सौ बत्तीस आपका सेकेंड हुआ, इसको मिनट में चेंज कीजिए, तो 432 को यदि हम कितना करते हैं, 432 को हम 60 से भागा देते हैं तो आपका कितना वाला लग जाएगा, तो 6742, 6742 करने का अर्थ हो गया कितना हो गया 6742, तो 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड, तो 7 मिनट 12 सेकंड आपका घड़ी कितना 8:20 हो रही थी, अब देखिए इसमें क्या करेंगे 7:12 सेकंड होना, 8:27 पर एक बार फिर बजेगी, एक साथ बत्ती फिर पुनः कितना बजे चले बजेगी बत्तियां फिर एक साथ चलेगी 8:27:12 पे बजेगी और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का मौसम 12 दिया हुआ, तीन संख्या का मौसम 12 है, यदि वे 1:2 2:3 के अनुपात में है तो वह संख्या क्या है, तीन संख्या का ऐसी 12 दिया हुआ यदि वे 1:2:3 का अनुपात में बहुत संख्या क्या है, देखिए आपका अनुपात क्या दिया हुआ है 1:2:3, यहाँ फर्स्ट संख्या हो गया, ये सेकंड संख्या आ गया, थर्ड संख्या हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए आपका क्या दिया हुआ है, एचसीएफ आपका दिया हुआ है 12, एचसीएफ आपका 12 दिया हुआ है, यहाँ पहला संख्या देखिए आपका कितना 12 कहने का अनुपात में रहता है कोई विरासत हम उसको क्या मानते हैं एक्स मानते हैं, क्या मानते हैं एक्स, इसको एक्स मानते हैं, तो 1 दिया हुआ है, यहाँ देखिए 12 को यदि एक से फर्स्ट संख्या होती 12 को यदि एक से गुणा कर दे कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और सेकंड संख्या को देखिए 12 को 2 से गुणा करते हैं 24 हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करते हैं 12 गुना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12 24 36, पहला संख्या 12, दूसरा संख्या 24, तीसरा संख्या 36, यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का लसा तथा मौसम क्रमशः 84 तथा 21 है, दो संख्या का लसा तथा मौसम क्रमशः 84 तथा 21 है, यदि संख्या का अनुपात 1:4 है तो दोनों में सबसे छोटी संख्या है, संख्या का अनुपात 1:4 दिया तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, आप बताएंगे सबसे छोटी संख्या का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इस सवाल को हम इत्मीनान से अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए क्या दिया हुआ 1:4 दिया, इसका अनुपात दिया हुआ है और इसका देखिए क्या दिया हुआ है लसा तथा मौसा क्रम से 21 तथा 84 तथा 21 दिया हुआ, ठीक है, ये आपका फर्स्ट संख्या हो गई, सेकंड संख्या हो गई, ठीक है, तो क्या पढ़े फर्स्ट संख्या की सेकंड संख्या वाला क्या पढ़े हैं लसा गुना मौसा, फर्स्ट संख्या की सेकंड संख्या वाला लसा गुना मौसा, यहाँ 1:4 बराबर हो गया लसा, लसा आपका 84 हो जाएगा 21 हो जाएगा, अब देखिए अनुपात में है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x लिख सकते हैं यहाँ पे 4x लिख सकते हैं, ठीक है, अब इसको सॉल्व किया देखिए कितना हमारे कट कट जाएगा 4 × 8 = 4, x स्क्वायर हो जाएगा कितना 21 × 21, x बराबर हो जाएगा 21 × 21, x का वैल्यू आ जाएगा 21, और देखिए इसमें पूछ रहा है आपका सबसे छोटी संख्या, अगर आपको लग रहा है 1:4 में सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 21 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो आपका कितना 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आंसर आपका 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए इधर रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है तीन संख्याओं का लसा 36 है और यदि यह संख्या 1:2:3 का अनुपात में है तो संख्या ज्ञात करें, तीन संख्या का लसा दिया हुआ 36, यदि यह संख्या का अनुपात दिया 1:2:3, ये देखिए अनुपात आपका दिया 1:2:3, इसका अनुपात दिया हुआ है और इसका लॉस कितना दिया हुआ है 36 दिया, लॉस आपका 36 दिया हुआ है, तो लॉस 36 दिया हुआ है, देखिए 1, 2 और 3 का लॉस निकाल लेंगे, 1, 2, 3 का 3 × 6 6x बार हो गया 36, 6 × 36 का वैल्यू आ जाएगा 6, आपका संख्या पूछ रहा है एक संख्या 6 × 6 दूसरा संख्या 6 × 12 = 18, मतलब पहला संख्या आपका हो गया 1 × 6 ये हो गया 6, दूसरा संख्या हो गया कितना 2 × 6 कितना हो गया 12, तीसरा संख्या हो गया 3 × 6 ये हो गया 18, यही आपका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
will you make clear?